पूर्व मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत ने अपनी ही पार्टी के नेताओं को निशाने पर लिया और मजाक में बड़ी बातें कह गए। उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो जन्मजात मुख्यमंत्री और मंत्री बनाने के विशेषज्ञ हैं, ऐसे व्यक्तियों से बचा जाना चाहिए। कांग्रेस के कुछ नेता जानबूझकर ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिनमें पार्टी उलझकर रह जाए। वह जो कुछ कहते हैं उसका आधा हिस्सा ही देखते हैं, यह चिंता का विषय है। कांग्रेस के पास ऐसे क्षमतावान नेता भी हैं जो राष्ट्रीय फलक पर चमकने का मादा रखते हैं। पार्टी के कार्यकर्ता ज्वलंत विषयों से पीछे हट रहे हैं। तो अपनी ही पार्टी से नाराज हरीश रावत ने नेताओं पर निशाना साधा। कुछ नेता जानबूझकर गलत मुद्दे उठाते हैं, पार्टी उलझकर रह जाते, ऐसे मुद्दे वो उठाते हैं। तो कांग्रेस के पास ऐसे क्षमतावान नेता भी हैं, कार्यकर्ता ज्वलंत विषयों से पीछे हट रहे हैं, ये हरीश रावत ने कहा। यही सबसे बड़ी अफसोस की बात है, बल्कि ये नेताओं के बयान को भी आधा पढ़ते हैं, मेरे ट्वीट को आधा देखेंगे, आधा नहीं पढ़ेंगे। मेरा जो ट्वीट है एक, जिसमें मैंने G20 की बात कही है, वो राज्य के लिए उपलब्धि है, लेकिन मैंने साथ साथ आईना दिखाया पूरी सरकार को। मैंने कहा तुमने सड़कें इतनी खराब कर दी हैं तो G20 कहाँ से करोगे, जब यदि सड़कें इस तरीके के गड्ढा युक्त होंगी जब, तो और वो भी सरकार को और मुख्यमंत्री को आईना दिखाया है, लेकिन हमारे लोग आईने का आधा ही हिस्सा देखते हैं। कांग्रेस के लोग जो ये आधा हिस्सा देखने वाले एक्सपर्ट्स हैं, ये कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या है। ये इन्होंने हमारे नेताओं का, जो बहुत होनहार नेता थे, जिन पर बड़ी, हमारे पास बहुत समतावान लोग हैं, भाजपा के पास समतावान लोग नहीं हैं और कांग्रेस के पास समतावान ही नहीं, कुछ नेता ऐसे हैं जो यहाँ से राष्ट्रीय स्तर तक अपनी पहचान बना सकते हैं और पार्टी को ताकत दे सकते हैं।